हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग माउंट आबू के लिए मॉर्निंग में जैसलमेर से निकले थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इवनिंग होने वाला है और अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो चलिए थोड़ा मस्ती करते हुए माउंट आबू पहुंचते हैं और फिर वहाँ पर नाइट व्यू देखेंगे। जी, अब हम लोग माउंट आबू पहुंचने वाले हैं। इवनिंग हो गई है तो हम लोग सबसे पहले नाइट व्यू देखते हैं और उसके बाद प्लानिंग करेंगे कि कल हम कहां कहां पे कौन कौन सा प्लेस विजिट करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हैं सनराइज देखने के लिए गुरु शिखर की ओर। तो लीजिए, हम लोग पहुंच गए आज के अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन गुरु शिखर पर्वत। देखिए यहाँ पे क्या मस्त नज़ारा है, लवली वेदर। वाकई में यहाँ पे सनराइज बहुत ही बेटर दिखता है। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे हम पहले अच्छे से घूम लेते हैं, देन कुछ फोटो वगैरह भी क्लिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे चलेंगे। दत्तात्रेय जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद नीचे उतरेंगे। रास्ते में आते समय हमें लवर पॉइंट दिखा था, तो वहां रुकेंगे। तो चलिए, अब हम लवर पॉइंट पहुंच गए हैं। दोस्तों यहाँ पे काफी मूवी की शूटिंग हुई है, जिसमें से एक है कयामत से कयामत तक। ये वही जगह है जहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी।
चलिए अब हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग नक्की लेक पहुंच गए हैं। दोस्तों इसे हार्ट ऑफ माउंट आबू भी कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस झील को भगवान अपने नाखून से बनाया है। ये लेक बोटिंग के लिए बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे आप पैडल और हाई स्पीड बोटिंग का मजा ले सकते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन टॉट रॉक के लिए चलेंगे। दोस्तों टॉट रॉक पे एक पत्थर है जो मेढक के आकार का है, जिस कारण से यह बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए हम लोग टॉट रॉक चलते हैं और वहां से नक्की लेक का और माउंट आबू का पूरा व्यू देखते हैं। कहते हैं वहां से बहुत अच्छा व्यू दिखता है माउंट आबू का। दोस्तों यहाँ से माउंट आबू का बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखता है जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों अब हम यहाँ से सनसेट पॉइंट जाएंगे, आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, हम भी पैदल ही जा रहे हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से हॉर्स राइडिंग के थ्रू या फिर ये ठेला गाड़ी जो है जिसपे लोग बैठ के जा रहे हैं, अगर आपको सही लगे तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। रहती है दोस्तों यहाँ पे हमेशा इतनी पब्लिक मिलेगी। यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट है जहाँ से डूबते हुए सन को आप देखने का आनंद ले सकते हैं। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा जल्दी आ जाओ जिससे आपको जगह मिल जाए अच्छा सा अपने मन के मुताबिक सनसेट देखने का। दोस्तों अब हम अपने ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन हनीमून पॉइंट पे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, चलिए आपको दोनों दिखाते हैं। हम सबसे पहले पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं फिर सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे, तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो है ये सेकंड पॉइंट है हनीमून पॉइंट्स का, आप यहाँ से पूरा नज़ारा देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, और हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।